हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग एक यूनिक आर्टिकल यूट्यूब की वीडियो से कैसे जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है, हम लोग यूट्यूब की वीडियो से एक आर्टिकल जनरेट करेंगे, वो भी 100% प्लैगरिज्म फ्री। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप मत करिए। ओके, बहुत छोटा सा वीडियो है, देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और ऐसा वीडियो आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगा। तो चलिए, मैं YouTube पे जाता हूँ और अपने मतलब का एक वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ, मीन्स उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। आप भी अपना एक वीडियो सर्च कर लीजिए। ओके, मैं आज आपको हिंदी न्यूज चैनल में आर्टिकल बना के दिखाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए मैं इंग्लिश वीडियो को ही सिलेक्ट करूँगा। वो क्यों करूँगा वो आप बाद में समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए मैं फटाफट से एक वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। और आप याद रखिए कि आप थोड़ा छोटा ही वीडियो को सिलेक्ट करने की कोशिश करिए, जैसे 5 मिनट 6 मिनट, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ा आर्टिकल बनाना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अपना एफर्ट भी कुछ डालना पड़ेगा, अदरवाइज खाली कॉपी पेस्ट कर देने से वैसे नहीं होगा। आपको आर्टिकल को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और तभी आपका आर्टिकल भी गूगल में रैंक करेगा। ओके, तो चलिए इसी वीडियो को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस वीडियो का मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे शेयर बटन में जाना है और यहाँ पर कॉपी कर लेना है। उसके बाद चलिए हम लोग फिर से चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है माइस्ट्रा। देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, यहाँ पर हम लोग क्लिक करके इसे साइनअप कर लेते हैं। ओके, आप अपना ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने ईमेल आईडी से इसे साइनअप कर लेता हूँ। ओके, और देखिए इसका कुछ इंटरफेस इस तरह का है, जहाँ पर आप ट्रांसक्रिप्शन, सबटाइटल या वॉइस ओवर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आर्टिकल बनाना है इसलिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन भी क्लिक करेंगे, और ये हमें इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ऊपर में जो है न्यू ट्रांसक्रिप्शन, वहाँ हम लोग को क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और लिंक में हम लोग क्लिक कर लेते हैं, जिसमें वीडियो का लिंक हमने कॉपी किया था यूट्यूब से, उसे यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग का वीडियो इंपोर्ट हो चुका है, और इसका लैंग्वेज हम लोग इंग्लिश में ही सेट कर देंगे। ओके, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही छोड़ देते हैं, इंग्लिश ही चाहिए हम लोग को, और सबमिट में क्लिक करेंगे। और देखिए थोड़ी देर में ये हम लोग का ट्रांजिशन पूरा हो जाएगा। अब इसे देख लीजिए, हम लोग का पोस्ट आ चुका है, हम लोग का आर्टिकल आ चुका है, तो इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट में क्लिक करके TXT फाइल में हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कितना जल्दी हम लोग का एक्सपोर्ट हो चुका है। देखिए हम लोग का आर्टिकल मिल चुका है। तो चलिए इसे थोड़ा एडिट कर लेते हैं। अब हमें आर्टिकल को यूनिक बनाने हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक स्पिनर। तो चलिए यहाँ पर एक स्पिनर हम लोग खोज लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं। ओके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसमें हम ओनली 5000 कैरेक्टर का ही वर्ड्स कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, जो भी आर्टिकल हमने वहाँ पर कॉपी किया था इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो चलिए इसको डिलीट कर लेते हैं, और इसे अब हम लोग इंग्लिश में है ना, इसे हिंदी कर देते हैं। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज हम लोग चेंज करके, तो चलिए इसे हिंदी लैंग्वेज में हम लोग कर लेते हैं। और नीचे आके यहाँ पर देखिए आई एम नॉट रॉबर्ट, यहाँ पर लिखा है ना आई एम नॉट रॉबर्ट, बस उसके बाद हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, और देखिए थोड़ा देर में हम लोग का आर्टिकल हिंदी में आ जाएगा, देख लीजिए। और एक सेकेंड, थोड़ा नेट स्लो है। हाँ देखिए, ये देखिए हम लोग का आर्टिकल यहाँ से आ गया। ओके, तो चलिए हम लोग इसको ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा काट देता हूँ। ओके, अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए नीचे ये बटन दिया गया है कॉपी का, यहाँ से हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग इसे सेव भी कर लेते हैं बाई चांस थोड़ा देर के लिए, और थोड़ा सा इसे एडिट कर लेते हैं जहाँ जहाँ हम लोग को चाहिए कीवर्ड्स। इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर अलग सा वीडियो बना दूंगा कि कहाँ पे कीवर्ड कैसे यूज करेंगे जिससे हम लोग का आर्टिकल रैंक करेगा। ओके, तो देखिए मैं अपना पोस्ट में आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे न्यू पोस्ट में जाके इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं कि हम लोग कैसे आर्टिकल अभी लिखते हैं इसके में। वही तो बोल रहा हूँ, अगर आपको इसमें वीडियो चाहिए तो बोलिएगा, मैं इसमें बना दूंगा, अभी मैं इसको चेंज कर दिखा रहा हूँ। तो चलिए
इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। और हमें अब चाहिए क्यू टेक्स्ट, जिससे हम लोग प्लैगरिज्म चेक करेंगे। तो हम लोग क्लिक करेंगे qtext.com, ओके, और इस लिंक पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। और ये देखिए जो है क्यूट प्लैगरिज्म चेकर्स, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे और जो भी हम लोग आर्टिकल वहाँ से कॉपी किए हैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोग चेक प्लैगरिज्म पर क्लिक कर देंगे। देख लीजिए यहाँ पर नीचे में जो रेड में है चेक प्लैगरिज्म, इसमें हम लोग क्लिक कर देते हैं और देखिए कुछ ही समय में हम लोग को रिजल्ट आ जाएगा। वाओ गाइस, देखिए नो प्लैगरिज्म फाउंड। तो हम लोग का आर्टिकल यूनिक है कि नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और मुझे कमेंट करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।